गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फोर्स ऑन ए डायपोल, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं फोर्स ऑन ए डायपोल से। मान लिया कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे वेरी कर रहा है, पोजीशन टू पोजीशन अलग है, और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये डायपोल है। ठीक है, और इस प्लस क्यू चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई पॉजिटिव है, और ये माइनस क्यू के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई माइनस है। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, प्लस इस नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स माइनस क्यू इंटू ई नेगेटिव। तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन ए डायपोल कितना होगा, तो इन दोनों का सम होगा। तो ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, तो हमारा ये आया क्यू इंटू ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा रिजल्ट आया क्यू इंटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर, तो ये साफ साफ आप देख रहे हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ये निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज डायपोल के एक एंड से दूसरे एंड के तरफ अगर हम जाते हैं, तो जाने में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना चेंज आएगा, देखिए ई पॉजिटिव माइनस ई निगेटिव को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। मैथमेटिकली ज़्यादा जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बात को समझना। ठीक है, तो हम फोर्स ऑन ए डायपोल को इस तरह से समझेंगे कि चार्ज इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से और लिख सकते हैं, क्यू इनटू डेल्टा एल, डेल्टा ई बटा डेल्टा एल। डेल्टा एल है लेंथ ऑफ डायपोल का, डायपोल है, तो हो गया क्यू इंटू डेल्टा एल, हो गया पी डायपोल मोमेंट हो गया, ये हो गया चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बटा डेल्टा एल। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, फोर्स एफ इज इक्वल टू पी डायपोल मोमेंट इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट किस ओर, ये डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। तो इसको हम कर सकते हैं इस तरह से, फोर्स ऑन ए डायपोल इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो इसको थोड़ा सा समझ लें, डेल्टा ई है क्या, द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा एल क्या है, द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायपोल मोमेंट। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू पी डेल ई बाई डेल एल। एफ है फोर्स ऑन ए डायपोल, पी है डायपोल मोमेंट, डेल्टा ई बाई डेल्टा एल है, ये है डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो हम इस फार्मूला का हम फ्रिक्वेंटली फोर्स निकालने में यूज कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसको अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम इसको मतलब समझें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बटा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, मतलब कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कन्फर्म करेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन किस ओर है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन जब मुझे पता चल जाएगा, तो उस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में लिखेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे किस ओर। तो ये डिफरेंशियल, ये जो डी एल डेल्टा एल की वैल्यू किस ओर होगा, तो जिस ओर डायपोल रखा रहेगा, इसलिए मैंने लिखा है कि डेल्टा एल क्या है, द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायपोल मोमेंट। अब मैंने कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से बात समझने की कोशिश करेंगे कैसे इसको अप्लाई करना है। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है,
जो r डिस्टेंस पे है डायपोल से, जिसका डायपोल मोमेंट पी है, मतलब ये डायपोल है पी, इससे r डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू है, तो फाइंड द फोर्स ऑन ए डायपोल, इस डायपोल पे फोर्स निकालना है। तो हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक तरह से समझ सकते हैं ये कि इस डायपोल की वजह से हम इस चार्ज पे, चार्ज जहाँ रखा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और इसको सिंपली इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस चार्ज पे फोर्स निकल जाएगा। और हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ से जानते हैं कि ये डायपोल इस चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये चार्ज भी इस डायपोल पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो हम उसको उस बात का यूज करके हम फिर फाइंड कर लेंगे। तो हम इसी मेथड का यूज कर रहे हैं कि फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ये देखिए, ये पॉइंट जो जहाँ पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये इस डायपोल के एक्सियल पोजिशन पे है। तो एक्सियल पोजिशन का फार्मूला हम लोग ये लगाएंगे, 2kp/r³, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है फोर्स ऑन ए चार्ज मिल गया डायपोल की वजह से। और फिर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ लगाएंगे, फोर्स ऑन ए डायपोल ड्यू टू चार्ज इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू डायपोल, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू डायपोल हमारा राइट साइड में आया, क्योंकि ये पॉजिटिव है हमारा, ये देखिए ये पॉजिटिव है, तो हमारा राइट साइड में आया, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये राइट साइड में है, इसे माइनस लगा हुआ है, तो ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड में हो जाएगा। और फोर्स ये वैल्यू हो जाएगा 2kqp/r³ इन लेफ्ट वा डायरेक्शन। एक एग्जांपल और भी लिया है मैंने, जैसे मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसको आप इनफाइनाइट लाइन चार्ज समझ सकते हैं, ऐसे प्लस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा हुआ है। इसका दो केस है, एक डायपोल जब इस लाइन के पैरेलल हो, और एक केस मैंने लिया है कि जब डायपोल इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हो। ये दो केस में हमें आंसर देना है कि डायपोल पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले, हम लोग क्या करेंगे फोर्स निकालने के लिए, सबसे पहले डायरेक्शन कंफर्म करेंगे, डायरेक्शन विजुलाइज करके हम कंफर्म करेंगे क्या है। इसे मान लेते हैं फर्स्ट वाला केस है। तो फर्स्ट वाले केस में आप देख सकते हैं, अगर यहाँ डायपोल रखा हुआ है तो डायपोल का मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ निगेटिव चार्ज है, और हमको पता है ये दोनों पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम है, क्योंकि ये दोनों, ये डिस्टेंस और ये निगेटिव चार्ज का डिस्टेंस दोनों सेम है, दोनों आर ही डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स की वैल्यू होगा वो क्यू इंटू ई होगा, और निगेटिव चार्ज माइनस क्यू पे फोर्स की वैल्यू क्यू इंटू ई लेफ्ट साइड में होगा। अब क्लियर है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू सेम होने की वजह से ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगा। तो फर्स्ट वाले केस में डायपोल पे फोर्स जीरो होगा। अब हम राइट वाला केस देखते हैं, ये सेकेंड वाला केस देख लेते हैं। सेकेंड वाले केस में आप ध्यान से देख सकते हैं, ये मैंने डायपोल माना है, ये यहाँ पे ये पी जो है डायपोल है। अब क्लियर है यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला पॉइंट है, वो यहाँ से अधिक दूरी पे है, तो अधिक दूरी पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब ई पॉजिटिव की वैल्यू कम होगा। और ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये नज़दीक में है, इसका मतलब ई निगेटिव की वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ई पॉजिटिव की वैल्यू, यहाँ लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा है, तो ई निगेटिव की वैल्यू ग्रेटर है ई पॉजिटिव से, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स होगा, ये हमने, एक मिनट, ये मैंने फोर्स पॉजिटिव है, ये हमारा फोर्स नेगेटिव है, इसको हम ऐसा करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज पे फोर्स है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है।
ठीक है तो क्लियर है कि ये जो निगेटिव चार्ज पे फोर्स है वो उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये कम है, तो दोनों का रिजल्टेंट हमारा लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए नेट फोर्स ऑन ए डायपोल लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एफ आर इज इक्वल टू बताया था, किस ओर फाइंड करना है, पहले क्लियर कीजिए डायरेक्शन। डायरेक्शन क्लियर है कि हमें पोजिशन वेक्टर की तरफ आर की तरफ निकालना है, इधर यहाँ से आर की तरफ, नेट फोर्स हमारा किधर है, आर की तरफ, राइट साइड होगा नहीं तो लेफ्ट साइड होगा। हम आर, आर का मतलब होता है इंक्रीजिंग आर, हम इंक्रीजिंग आर के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हमें अगर फोर्स अगर इंक्रीजिंग आर के तरफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, बताया था मैंने, ध्यान सुनिएगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट को, इंक्रीजिंग आर वाले कंपोनेंट को, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो जिस ओर डायपोल रखा हुआ है, डायपोल किस ओर रखा हुआ है, तो आर के तरफ रखा हुआ है, तो हम ये आर के तरफ, ये आर पोजिशन वेक्टर की तरफ हम एक डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, ये डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेंगे डी आर, और इस डी आर से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो हम फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एफ आर इज इक्वल टू पी डेल ई आर बटा डेल आर। ठीक है, और ई आर का वैल्यू मुझे पता है, इनफिनाइट लाइन चार्ज की वजह से होता है 2k लेमडा बटा आर, जहाँ लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ER की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके इंटीग्रेट कर, ये डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आएगा हमारा 2k p लेमडा 1 बटा r का इंटीग्रेशन माइनस 1 बटा r स्क्वायर। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि हमारा फोर्स जो है वो इंक्रीजिंग r के तरफ नहीं है बल्कि डिक्रीजिंग r के तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो ये मेरा माइनस साइन डायरेक्शन बताने के काम में आएगा, तो यहाँ निगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन अलॉन्ग डिक्रीजिंग r, तो इस तरह से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हम डायपोल पे फोर्स फाइंड करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे, और जिस ओर उस तरफ अगर फोर्स का वैल्यू निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो जिस ओर डायपोल रखा हो उसके रिस्पेक्ट में। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, वहाँ से बातें और स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे मान लेते हैं कि एक डायपोल है, ये प्लेस्ड है सेंटर पे, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पे चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, और इसके सेंटर पे डायपोल रखा हुआ है, सेंटर पे डायपोल है पी। ठीक है, हम मुझे इस डायपोल पे फोर्स निकालना है, अब ज़रा सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सेंटर पे डायपोल रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में होगा, सेंटर से राइट साइड में, और निगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड में होता है, तो ये पॉजिटिव का वैल्यू, ये पॉजिटिव का डायरेक्शन राइट साइड में होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेफ्ट साइड में होता है, तो यहाँ इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेफ्ट साइड में होगा लेकिन फोर्स हमारा राइट साइड में होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स राइट साइड में होगा, यहाँ पर भी फोर्स राइट साइड में होगा, तो अल्टीमेट ये क्लियर हो गया कि इस डायपोल पे फोर्स राइट साइड में होगा, तो हमको पता चल गया नेट फोर्स अलॉन्ग राइट वर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें फोर्स निकालना है राइट वर्ड, तो एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो एफ एक्स मुझे फाइंड अगर करना है, ध्यान सुनेंगे, एफ एक्स निकालना है तो डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, ईएक्स को, किसके रेस्पेक्ट में, तो जिधर डायपोल रखा हुआ, डायपोल किधर रखा हुआ है, तो ये लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसके तरफ डिफरेंशियल एलिमेंट क्या लेंगे, डीएक्स, यहाँ से डीएक्स लिख देंगे, और उसके बाद ईएक्स की वैल्यू हम जानते हैं इनफिनाइट, ये सॉरी रिंग की वजह से, चार्ज रिंग की वजह से, तो चार्ज रिंग, ठीक है, तो चार्ज रिंग की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, 2k q x बटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होता है, इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद पुट कर देंगे x इज इक्वल टू
जीरो, और हम फाइंड करेंगे एफ एक्स, ठीक है, जो वैल्यू होगा वो हमारा फोर्स की वैल्यू देगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं दो डायपोल इस पर है, ये पी वन है और पी टू है, ये डायपोल इस ओर है और ये डायपोल हमारा पी वन इस तरफ है या पी टू इस तरफ है। हमें फाइंड करना है कि डायपोल पी टू पर पी वन की वजह से कितना फोर्स है। ध्यान से सुनिएगा, ये दो डायपोल है, एक डायपोल सोर्स की तरह काम करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। ध्यान सुनिएगा, एक दो डायपोल में एक डायपोल क्या है, सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा डायपोल रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा, ठीक है, तो किसी को सोर्स बना सकते हैं। अब इसको सोर्स बना सकते हैं, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसके अंदर ये रखा हुआ है तो इसको फोर्स निकाल सकते हैं, या इसको सोर्स मान सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसमें ये पी टू डायपोल रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगना है। तो हम सबसे पहले, हमको जो क्वेश्चन क्रिएट किया है उसमें क्वेश्चन ये है कि आप सबसे पहले ये बताइए कि डायपोल पी टू पे नेट फोर्स का डायरेक्शन किस ओर होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फोर्स की वैल्यू कितना होगा। तो हम सबसे पहले डायरेक्शन कंफर्म करेंगे, अगर नहीं भी कहेगा डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए, फोर्स निकालने के लिए कहेगा, तो हम सबसे पहले डायरेक्शन कंफर्म करेंगे, उसी के बाद हम वो आगे का इक्वेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ से ये डायपोल रखा हुआ है, देख लो ध्यान से, ये पी वन डायपोल है, ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है डायपोल पी टू का, पी टू डायपोल का यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये दोनों पॉइंट जो है ना इस पी वन के इक्वेटोरियल प्लेन में है, तो इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किधर होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल के पी वन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और चूँकि चार्ज निगेटिव है इसलिए फोर्स ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और चार्ज पॉजिटिव है तो इसी तरफ होगा। लेकिन ये चूंकि ये पॉइंट जो है वो यहाँ से ज़्यादा दूरी पे है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो फोर्स कम होगा, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पर फोर्स कम होगा, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो दोनों का रिजल्टेड ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हमने इंक्रीजिंग थीटा का डायरेक्शन माना है, तो हमको क्लियर हो गया डायरेक्शन क्या होगा, तो डिक्रीजिंग थीटा के डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीजिंग थीटा के डायरेक्शन में नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, या ऐसे कह सकते हैं ऊपर की तरफ होगा। तो हमारा आंसर हो गया कि नेट फोर्स ऑन ए डायपोल पी टू अपवर्ड डायरेक्शन में या डिक्रीजिंग थीटा के डायरेक्शन में, और फोर्स ऑन ए पी टू इज परपेंडिकुलर टू द पोजिशन वेक्टर इन डिक्रीजिंग थीटा, ऐसा भी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा ध्यान से देखना है, ध्यान सुनिएगा, इस बार मैंने क्या लिया है, पी वन को सोर्स माना है, फोर्स किस पर निकालना है, पी टू पे। ध्यान सुनेंगे, पी वन पी टू है, कन्फ्यूजन पैदा करेगा, ये सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पी टू रखा हुआ है, ठीक है। तो फोर्स जब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान सुनेगा, फोर्स निकालना है जिधर, देख लीजिए, जिधर फोर्स निकालना है उसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। देखिए ध्यान से, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, डायपोल क्या है, पी टू किधर रखा हुआ है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर, ये जो सोर्स है, सोर्स डायपोल है, इसके पोजिशन वेक्टर के डायरेक्शन में ये पी टू रखा हुआ है, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए डायपोल कितना होगा, तो पी टू डायपोल है जिस पर फोर्स निकालना है, तो पी टू डिफ्रेंसिएशन किधर के तरफ, हमको पता है कि इंक्रीजिंग थीटा के तरफ फोर्स है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किस कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ई थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, तो जिधर पी टू है, पी टू किधर है, तो पी टू हमारा राइट साइड में है, इसके रेस्पेक्ट में आर डायरेक्शन में है, इंक्रीजिंग आर की तरफ है, इसका मतलब ये आर पोजिशन की तरफ है, तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आर पे रखा हुआ है तो डी आर होगा, ठीक है, यहाँ आर पे रखा हुआ, ये आप यहाँ से ये मान सकते हैं, ये आर पे रखा हुआ है,
तो इंक्रीजिंग थीटा, ये पी टू जो है पी टू के तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम ये आर है तो हम यहाँ डी आर लिख सकते हैं। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा पी टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई थीटा कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई थीटा कंपोनेंट बटा किस ओर डायपोल है तो ई आर के तरफ, तो हम डी आर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम इस यहाँ पे ई थीटा का जनरल फार्मूला क्या होता है था क्या क्या बताया था याद कीजिए, तो के पी वन डायपोल सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो के पी वन साइन थीटा बटा आर क्यू। चूँकि ये डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में है इसका मतलब हमको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी सब को कांस्टेंट मानना है। तो यहाँ पे थीटा को कांस्टेंट मानेंगे तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट, ये पूरा का कांस्टेंट होगा, वेरिएबल क्या होगा आर, तो यहाँ पूरा का पूरा ये बाहर निकल जाएगा और फार्मूला हो जाएगा के पी वन पी टू साइन थीटा डिफरेंशिएट बटा आर क्यू। यहाँ से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस थ्री के पी वन पी टू साइन थीटा बटा आर पावर फोर। अब हमको पता है कि कितने एंगल पे रखा हुआ है, अब देखिए ये जो डायपोल इस पोजीशन के साथ इस डायपोल के साथ कितने एंगल पे रखा हुआ है, तो क्लियर है 45 ये पाई बाई टू पे है, 90 डिग्री पे है, ये डायपोल 90 डिग्री पोजीशन पे रखा हुआ है, तो हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे और हमारे पास एफ थीटा का वैल्यू माइनस थ्री के पी वन पी टू बटा आर पावर फोर आया। यहाँ जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या बताएगा, तो माइनस साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग डिक्रीजिंग थीटा। तो क्लियर है डिक्रीजिंग थीटा का मतलब किधर हो गया, ये हो गया, ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीजिंग थीटा माना है क्योंकि मैं एंगल थीटा का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से करेंगे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीजिंग थीटा होगा, ठीक है। और ये फोर्स आ रहा है हमारा निगेटिव की तरफ, ये निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग थीटा का मतलब ऊपर की तरफ, ये हमारा पहले से पता है ऊपर की तरफ, तो माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैग्नीट्यूड हमको काम करना है, डायरेक्शन तो हम पहले ही से कंफर्म कर लेंगे कि किस ओर होगा, तो डायरेक्शन हम पहले से कंफर्म करेंगे, बाद में हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो वो जो माइनस साइन प्लस माइनस जो आएगा ना वो डायरेक्शन बताने के लिए आता है। एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं, देखिए दो डायपोल है पी वन और पी टू, दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हमें फोर्स निकालना है पी टू पे, ठीक है, पी टू पे निकालना है पी वन के वजह से, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है और फोर्स की वैल्यू निकालना है, दोनों निकालना है, ठीक है। तो हम पहले डायरेक्शन कन्फर्म कर लेते हैं विजुलाइज करके, उसके बाद हम बात करेंगे ये मैग्नीट्यूड के बारे में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये P1 का दो एक पॉजिटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, ये P2 में यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा। अब हमें इस पर फोर्स निकालना है, इसे फोर्स निकालना होगा, तो इस चार्ज पे दोनों चार्ज की वजह से फोर्स, फिर इस चार्ज पे दोनों चार्ज की वजह से फोर्स, फिर सबका रिजल्टेंट, ठीक है, कर देंगे, करके देखते हैं किधर हो किस ओर होगा। तो ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव नज़दीक में है, तो जो रिपेल करेगा तो E1 का वैल्यू ज़्यादा होगा। फिर देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहाँ से ये रेगुलरली इससे तो ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो इससे जो ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी कम, तो फोर्स की भी वैल्यू कम होगी, तो हमारा ये E1 के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 के रिस्पेक्ट में हम फोर्स से, एक मिनट थोड़ा सा ये हो गया है, आप फोर्स के टर्म में भी बात कर सकते हैं, ये हमारा फोर्स हो गया F1, ठीक है, ये भी हमारा F1 हो जाएगा, ये F2 हो गया,
ये भी हमारा एफ टू हो गया, ठीक है। एफ टू का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एफ वन की वैल्यू ग्रेटर देन होगा एफ टू से। तो क्लियर है कि ये चूँकि ज़्यादा डिस्टेंस पे है इसलिए एफ टू की वैल्यू जो होगी, एफ टू का वैल्यू कम होगा और एफ वन का वैल्यू ज़्यादा होगा। आप ध्यान से देखेंगे, इसका और कंपोनेंट अगर लीजिएगा, इसका इन दोनों का, ये चारों का रिजल्टेंट निकालिएगा तो क्या होगा, क्लियर है, राइट साइड में होगा। तो इस डायपोल पे फोर्स हमारा राइट साइड में मिल गया। तो हम क्लियर हो गया कि नेट फोर्स ऑन ए डायपोल पी टू अलॉन्ग राइट वर्ड, डायरेक्शन कन्फर्म हो गया। अब हम फोर्स के बारे में देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसमें ये हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पी टू डायपोल रखा हुआ है। हमें इस पी टू पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स वाले एक्सप्रेशन में जो डायपोल होगा वो इसका लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वगैरह जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एल लिखते हैं, इसके लिए लिखेंगे, ठीक है। तो हमें इतना ही पता चला कि इस पी टू पे जो फोर्स की वैल्यू है, फोर्स का जो डायरेक्शन है, वो हमारा राइट साइड में होगा। कितना होगा, तो एफ आर इज इक्वल टू पी टू, ठीक है, पी टू पे निकाला है तो पी टू किस ओर, तो हमें राइट साइड में मिला है। राइट साइड की तरफ क्या है, कौन सा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ईयर कंपोनेंट है, तो ईयर कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट किधर लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट किधर लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे जिधर डायपोल रखा हुआ है। डायपोल हमारा किधर रखा हुआ है, देख लो, ये पी टू डायपोल किधर रखा हुआ है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग थीटा है। ये क्या है, इंक्रीजिंग थीटा है, ये हमारा इंक्रीजिंग थीटा है। डायपोल रखा हुआ है डिक्रीजिंग थीटा में, देख लो, डिक्रीजिंग थीटा में, तो डिक्रीजिंग थीटा में इस ओर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तीसरा इधर इधर डिस्प्लेसमेंट होगा आर डी थीटा, क्योंकि ये आर ये हो गया और डी थीटा अगर हम इधर इस ओर करेंगे, डी थीटा अगर पॉजिटिव करेंगे तब तो इस ओर हो जाएगा, तो ये जो आर्क लेंथ होगा वो आर डी थीटा हो जाएगा। अगर हम डिक्रीजिंग थीटा में लेंगे तो डिक्रीजिंग थीटा में आप देखिए ध्यान से, ये डी थीटा, तो ये हमारा ये जो टोटल लेंथ हो जाएगा यहाँ से इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा वो आर डी थीटा लिखना पड़ेगा। आप इसकी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये डायरेक्शन तो हमें पता चल गया राइट वर्ड डायरेक्शन में है। अब आप देख लो, पी टू हो गया डायपोल मोमेंट, डिफ्रेंसिएशन ई आर के करना है, डायपोल किधर रखा हुआ है, तो उधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो आर डी थीटा होगा, तो ये आर डी थीटा माइनस आर थीटा, माइनस आर डी थीटा, ठीक है। माइनस आर इसलिए कि माइनस आर क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग थीटा इधर है, फोर्स हमारा ये जो डायपोल पी टू रखा हुआ है इधर की तरफ रखा हुआ है, ऊपर की तरफ, मतलब डिक्रीजिंग में लिखा हुआ है, तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आर डी थीटा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर डी थीटा होगा, लेकिन हमको ऊपर लिखना है तो माइनस आर डी थीटा लिखना पड़ेगा, तो हमको माइनस आर डी थीटा से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा पी टू बटा आर, ई आर का फार्मूला होता है, ई आर होता है टू के पी वन कॉस थीटा बटा आर क्यू। ये देखिए ध्यान से, ये थीटा के ये थीटा है यहाँ पे, तो डिफ्रेंसिएशन थीटा पे जाएगा, आर हमारा कांस्टेंट है, तो ये सारा आर वाला टर्म बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर है, तो ये आर पावर फोर हो गया, तो टू के पी वन पी टू बाई आर पावर फोर डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन या माइनस पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो एफ आर फोर्स हमारा राइट साइड में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि इंक्रीजिंग थीटा की तरफ, इंक्रीजिंग थीटा का मतलब सॉरी इंक्रीजिंग आर की तरफ, इंक्रीजिंग आर का मतलब राइट वर्ड डायरेक्शन में। आप हमको पुट करना है कि किस लोकेशन में, तो लोकेशन आपको देखना देख ले रहे हैं आप,
देख लीजिए ये थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ से कितना थीटा पर ये डायपोल रखा हुआ है, तो पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू पुट कर देंगे थीटा का वैल्यू, ये हमारा फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये तो फोर्स का डायरेक्शन हो, फोर्स की वैल्यू हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है अगर डायपोल का, तो क्या करेंगे, इसमें फार्मूला पहले वाला ही लगाएंगे, इन फार्मूला ही लगाएंगे। वहाँ लिखा करते थे माइनस पी डॉट ई, तो पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई ही लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई का मतलब माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, फार्मूला वही लगाएंगे, सिर्फ यही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू लेंगे ना, वो हम डायपोल जहाँ रखा हुआ है उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है और जो डायरेक्शन है उसके अनुसार कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान सुनिएगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमको डायपोल रखा हुआ है और हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है डायपोल का, तो जिस पोजीशन पे डायपोल रखा हुआ है उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन कंफर्म करेंगे, और उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे माइनस पी डॉट ई, हो जाएगा हमारा डायपोल पे का पोटेंशियल एनर्जी। और ठीक उसी तरह से टॉर्क अगर निकालना है, ध्यान सुनेंगे, टॉर्क अगर निकालना है तो टॉर्क, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि टॉर्क की वैल्यू वहाँ कपल फॉर्म कर जाता है, करता है। अब कपल फॉर्म में क्या होता है, टॉर्क बताने के लिए किसी रिफरेंस पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो फोर्स हमारा नन जीरो है, तो नन जीरो है तो यहाँ क्वेश्चन जो राइज करेगा डायपोल ये टॉर्क निकालने के लिए, तो वहाँ एक रेफरेंस पॉइंट देगा जिसके अबाउट टॉर्क पूछेगा। ध्यान सुनिएगा, इस बार किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो भी पॉइंट दिया रहेगा, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो हमेशा वो सेम ही होता है, पी क्रॉस ई होता है। ठीक है, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे टॉर्क निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होगा हमारा इस तरह का, ये टॉर्क इज इक्वल टू क्या, फार्मूला वही लगाएंगे, पी क्रॉस ई लगाएंगे। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा टर्म है आर क्रॉस एफ नेट एक्स्ट्रा, ये लिखना पड़ेगा। अभी क्या टर्म है उसको ज़रा ध्यान से, पी तो डायपोल मोमेंट है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे डायपोल रखा हुआ है, आर है पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओ, डायपोल का पोजीशन वेक्टर, ये आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डायपोल विथ रिस्पेक्ट टू ओ गिवन पॉइंट जिसके अबाउट मुझे फाइंड करना है, और एफ नेट क्या है, तो एफ नेट जो अभी फार्मूला अभी जो डिराइव बताया मैंने, नेट फोर्स ऑन ए डायपोल, तो एफ नेट नेट फोर्स ऑन ए डायपोल, जिसका मतलब टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने से पहले हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे टॉर्क के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों का ये डिस्कशन डायपोल से रिलेटेड जो डिस्कशन था, वो डायपोल से रिलेटेड डिस्कशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, हमने जितना भी बातें बताई वो आपको दो जगह काम आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में भी काम आने वाला है, वहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल की बात करेंगे, और बार मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का सारा रिजल्ट जितना भी मैंने डिस्कशन किया है वो सारी बातें हम मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी लगा सकते हैं और बार मैग्नेट के लिए भी लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज है उसमें, क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, और वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। फार्मूला वगैरह सब कुछ सिमिलर रहता है। ठीक है, प्रॉब्लम का वैरायटी, प्रॉब्लम पूछने का तरीका, वो सब कुछ सिमिलर होता है। ठीक है, तो आप जितना उम्मीद है कि मैंने डायपोल में चार क्लासेस लिए हैं और आप इस अच्छी तरह से समझे होंगे, जो दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में आप
मेंशन कर देंगे, ठीक है। और इसको ध्यान देखेंगे, आपको मैग्नेटिक्स में इसका फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू।